मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने ब्लॉक मुंडा पांडे सभागार में बैठक आयोजित करते हुए जिले के अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में बिजली विभाग और पूर्ति विभाग की समस्याएं क्षेत्र से आ रही हैं, जिनका अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द बिजली विभाग, पूर्ति विभाग द्वारा निस्तारण करें। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे डॉक्टर नवदीप यादव ने क्षेत्रवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वैक्सीनेशन करवाएं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। जो सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं उसे हर एक भारतीय को पालन करना चाहिए और जो भी कार्ड धारक हैं वह भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे उन्हें सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से राशन लेने में परेशानी ना हो, क्योंकि सरकार ने राशन डीलर्स को आदेश जारी किए हैं कि अगर कार्ड धारक ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसे राशन नहीं दिया जाएगा। जितने भी कार्ड धारक क्षेत्रवासी हैं सब सरकार की गाइडलाइंस का जरूर पालन करें ताकि कोरोना जैसी घातक बीमारी से जल्द निपटारा हो सके। बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण और कर्मचारी जो भी ब्लॉक पे कार्यरत हैं, जिले पे कार्यरत हैं, सब अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया था। और मीटिंग के साथ साथ हम लोगों ने जो लोगों की समस्याएं थीं उन लोगों को भी समस्याएं सुन के उनका निस्तारण कराने का भी प्रयास हमारे द्वारा किया गया था। समस्याएँ क्या क्या रखी थी? समस्याएँ अधिकांश समस्याएँ बिजली विभाग और पूर्ति विभाग से संबंधित ज़्यादा समस्याएँ थीं। तो जो बिजली विभाग के जेई और पूर्ति विभाग के एआरओ दोनों को निर्देशित किया गया है कि जो समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं वो भविष्य में ना आए और उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सर, अभी हाल ही में राशन डीलर का वितरण हो रहा है, लोग मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि राशन का अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं दिया जा रहा है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो बिल्कुल संबंधित अधिकारियों को बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कराई जाएगी। सभी को राशन दिया जाना है और चूँकि ये उच्च अधिकारियों का और प्रदेश सरकार की पहल है कि वैक्सीनेशन करा के ही राशन का वितरण कराया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन में हमारा जनपद काफ़ी निचले स्तर पर चल रहा है, तो जिससे कल काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हमारे जनपद में देखने को मिला है। सर, ब्लॉक में कुछ लापरवाही अधिकारियों की आई है, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मैंने कुछ जो सचिव वगैरह यहाँ पे उपस्थित नहीं है उनके एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं वीडियो मैडम को और उनका संभवतः एक दिन का वेतन कटेगा।